हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों और बड़ों सभी की फेवरेट पिज़्ज़ा की रेसिपी। बट वेट, ये होगा एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ, क्योंकि मैदे की बजाय हम इसे बनाएंगे गेहूं के आटे से, वो भी विदाउट ईस्ट। लेकिन चीज़ हम की चीज़ में कोई कंजूसी नहीं होगी, तो चलिए देखते हैं कि ये पिज़्ज़ा कैसे बनता है। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप या एक छोटी कटोरी के जितना गेहूँ का आटा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड पिंच ऑफ सॉल्ट ऑल्सो। जस्ट मिक्स इट अप, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के जितना दही। ये चम्मच तो बड़ा है, लेकिन ये 1 टेबल स्पून दही है। और 1 टेबल स्पून के जितना ऑलिव ऑयल, आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये मैंने थोड़े से पानी की मदद से एक आटा लगा लिया था, रोटी जैसा ही आटा मैंने लगाया है। इसकी सॉफ्टनेस मैं आपको दिखाती हूँ। बस अब इसे हम रोल कर लेंगे। ये हमारी रोटी तैयार है, बहुत पतली नहीं है। रुके, मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ। थोड़ा थिक रखना है, हालांकि थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, बट थोड़ी बाइट आनी चाहिए बेस की। अब हम एक फोक की मदद से इसको प्रिक करेंगे। इस मेथड को डॉकिंग भी बोलते हैं। प्रिक करना है अच्छे से। ऑलमोस्ट डन। बस अब ये बेक होने पे ये फूलेगा नहीं। अब इस पे हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बेसिकली गार्लिक, टोमेटो प्यूरे, मिक्स्ड हर्ब और मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के उसको सॉटे किया, फिर मिक्स कर लिया। ये 3 चीज़ों से पिज़्ज़ा सॉस बन जाता है। इसकी भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगी कैसे बनता है पिज़्ज़ा सॉस। ये आपको डालना है और अच्छे से स्प्रेड करना है जेंटली। स्प्रेड करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको साइड के एजेस पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, जैसे मैंने छोड़ा। ये देखिए, बस अच्छे से स्प्रेड कीजिए। दैट्स इट। जो थोड़ा सा बचा है वो भी हम डालेंगे। व्हाई टू वेस्ट, इट्स डन। अब हम इस पे एक वाइट सॉस मैंने बनाई है, जिसमें मैदा, चीज़, बटर, फिर उसमें थोड़ी सी मेयोनीज मैंने मिक्स की है। ये जो ऊपर वाइट सॉस हमने स्प्रेड की थी, ये कोई और वाइट सॉस नहीं है, ये एक्चुअली वाइट सॉस पास्ता वाली सॉस है, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड कर दी थी। अब जस्ट ये मैं ऊपर से ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ। एक अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए मोज़रेला चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। जो पिज़्ज़ा के स्ट्रिंग्स बनते हैं ना, कि आप एक टुकड़ा उठाओ और उसके स्ट्रिंग्स बन रहे हैं जो बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं, वो मोज़रेला चीज़ से ही बनते हैं। बाकी आप बाज़ार का कोई भी पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली उसमें और भी बहुत सारे चीज़ मिक्स्ड होते हैं, प्रोसेस्ड चीज़, चेडार और मोज़रेला चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ इस पे वेजीज़। मेरे घर पे अभी एक्चुअली नॉर्मली 3 वेजिटेबल्स अवेलेबल थी और मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन था, तो मैं उन्हीं 3 वेजिटेबल्स के साथ मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया। अनियन, टोमेटो और कैप्सिकम। तो कुकिंग की यही ब्यूटी है कि एक्चुअली कोई हार्ड कोर रूल नहीं है कि अगर आपके पास वो इंग्रेडिएंट है तभी आप बना सकते हो। जो भी चीज़ें आपके पास नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें हैं, आप उनसे भी एक बहुत अच्छा डिश बना सकते हो। तो ये मैंने जस्ट 3 वेजिटेबल्स यूज़ करके अपना पिज़्ज़ा बना लिया और बहुत एंजॉय किया मैंने। ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बना था। बाकी अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है और मशरूम है तो वो डालोगे तो बस बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास है, डेफिनेटली आप उस चीज़ को डालिएगा। ये मैंने गार्निश कर दिया अच्छे से। अब इस पर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी ऑरिगैनो। ऑरिगैनो अगर आपके पास नहीं है, मिक्स्ड हर्ब भी आते हैं, अगर वो है तो वो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हो। ये थोड़े से मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मैंने बेक किया है अपने ओवन के मैक्सिमम टेम्परेचर पे। मेरे ओवन का मैक्सिमम टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर मैंने बेक किया 10 मिनट के लिए।
कितना फास्ट ये पिज़्ज़ा तैयार होके आया है. इट इज़ सो टेम्पटिंग. आई एम जस्ट गोइंग टू डिग इन. आप ट्राई करो, खुद से बनाओ और बना के मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा. थोड़ा तो हेल्दी है, मतलब चीज़ डाला है, मैं कम्प्लीटली हेल्दी नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा हेल्दी है क्योंकि हमने ये गेहूँ के आटे से बनाया है. बाकी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट. और अगर कर लिया है तो दोस्तों से भी कराइए ना. तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो को लेके. टेक केयर, बाय बाय.